नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल ब्लेसिंग चैनल में। आज हम इस वीडियो में पिछले हफ्ते जो भी करंट अफेयर रहा होगा हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रोबो बैंक के द्वारा जारी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो हमारा आंसर रहेगा 16वां स्थान मिला है। तो बात अमूल की आती है तो अमूल के बारे में हम और भी बात बता सकते हैं कि अमूल वर्तमान में कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इससे पहले भारत की कोई भी डेयरी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी। अमूल की बात आई है तो अमूल के स्थापना दिवस का हमें पता होना चाहिए। अमूल का स्थापना दिवस है 1946 ईस्वी। और अमूल का कंपनी का मुख्यालय की बात की जाए तो ये आनंद जगह पर है। और आनंद जगह कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात के यदि हम बात करें मुख्यमंत्री की तो एट प्रेजेंट वहाँ की मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। और गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? गुजरात का सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा शहर की बात की जाए तो अहमदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में संविधान की कौन सी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो हमारा आंसर रहेगा 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। तो हमारा आंसर है कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत ये पारित हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, वे भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो हमारा आंसर रहेगा 13वें क्रम के ये राष्ट्रपति थे। 2012 से लेकर 2017 तक इनका राष्ट्रपति पद पर ये रहे हैं। और इनको साल 2019 में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, इनकी लिखी हुई एक पुस्तक है द कोलिएशन ईयर्स। तो कोलिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब संगठन। तो हम ये याद कर लेंगे द कोलिएशन ईयर इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हमारा आंसर रहेगा कि केरल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने में सक्षम बनाएगा। तो बात आई है केरल, क्योंकि केरल के अंदर ही ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी भी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और यहाँ की राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा है मलयालम। और केरल का गठन कब हुआ यदि गठन की बात की जाए तो गठन हुआ था केरल का 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रही है? तो हमारा आंसर रहेगा -23.9%। तो इसे रीज़न क्या रहा है, कारण क्या रहा है वो भी हम बता देते हैं कि लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई कमी 2019-20 की इसी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट +5.0% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा 2 सितंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। भारत में लगभग 470 करोड़ रुपए की आमदनी नारियल से बनी वस्तुओं के निर्यात से होती है। नारियल दिवस के अवसर पर नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फार्मूला वन ड्राइवर ने बेल्जियम में आयोजित ग्रापी 2020 का खिताब जीता है? तो हमारा आंसर रहेगा लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन की फार्मूला वन रेसर है, वे मस्टीज कार ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने हेतु
कितनी राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? तो हमारा आंसर रहेगा 3,500 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा जापान सरकार ने 70 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। जापान की बात आई है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा मतलब करेंसी कौन सी है? येन। और यहाँ के एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसन दियाब के इस्तीफा देने के बाद लेबनान में प्रधानमंत्री पद के लिए किसे नामित किया? मुस्तफा अदीब को नामित किया गया है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो बेरूत दियाब ने इस्तीफा दिया है, उसका रीजन क्या रहा? बेरूत विस्फोट, बेरूत के अंदर विस्फोट हुआ था और जिसमें के कारण लोगों ने प्रदर्शन किया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बात और है, लेबनान की बात आई है तो लेबनान की जो राजधानी है वो कौन सी हमें पता होनी चाहिए। लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो हमारा आंसर रहेगा रूस के साथ किया जाएगा। कब किया जाएगा? 4 से लेकर 5 सितंबर 2020 को भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन किया जाएगा। यह युद्ध अभ्यास कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 महामारी की शुरुआत के पश्चात पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होगा। इंद्र सेना अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक कौशल व अनुभव और सैन्य तकनीक का को साझा करना है। तो रूस की बात आई है तो क्योंकि रूस के साथ ये नौसैनिक अभ्यास होगा तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मास्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। और जो यहाँ के राष्ट्रपति का यदि पूछा जाए तो राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिल पाई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।